आप इसे अकेला छोड़ के कहाँ गई थी? वो साहब मैं वॉशरूम गई थी। किसी की सुपरविजन में छोड़कर जाया करें। जी। और आइंदा से अमर रात को मेरे पास होगी। हाँ, ये किसकी गाड़ी लेकर आए हो? दोस्त की गाड़ी है, आपकी घड़ी कहाँ है? घड़ी तो ये रही। हाँ, इसको सामने रखें और ये लें, यही रे अंगूठियाँ पहने जल्दी से। ये अंगूठियाँ? अगले 2 घंटे के लिए समझे कि ये आपकी अपनी है, जल्दी पहने, महामारी है। महाम? महाम यहाँ क्यों आ रही है? मुझे पैसे देने आ रही है। तुम महाम से पैसे ले रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो? ये नहीं हो सकता, तुम्हारे डैड ऑलरेडी मुझसे बहुत नाराज है, अब तो वो बात भी नहीं करते मुझसे। डैड की तो आदत है गुस्सा करने की, छोड़ें आप उन्हें। ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगी, सुन रहे हो तुम? टेंशन वेंशन नहीं लें आप, बस महाम आए तो सिर्फ प्यार जताइएगा और आपने कुछ नहीं कहना, ना बताना है कि डैड नाराज किस वजह से हुए हैं, ना ये बताना है कि बिजनेस में लॉस हुआ है, और ना ही ये बताना है कि ये घर गिरवी है। जाओ, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आजे आजे आजे, चले आप आजे। मामा आप ही आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो। तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हें देखकर मुझे किस कदर खुशी हो रही है। कैसी हो? ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। ये मेरी इतनी बहादुर बहन है, उस पे जुल्म और सितम के कितने मर्जी पहाड़ टूट जाएं, फिर भी कहती है मैं ठीक हूँ। बाबा कहाँ हैं? उनको बताया कि मैं आ रही हूँ? उनको पता चला तो बहुत नाराज होंगे मुझ पे। डैडी तो नहीं है घर पे? क्या मतलब, कहाँ गए, कहाँ भेजा है उन्हें? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमने उनको घर से निकाला हो। अरे वो इस घर के मालिक हैं, जब उनका दिल करेगा वो आएंगे, जब उनका दिल करेगा वो जाएंगे। आप फिक्र क्यों कर रही हैं, आते ही होंगे। आप अंदर चले ना। हाँ आओ। चले आओ। बाबा घर पे नहीं है? कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार कर लूंगा। मुझे नहीं पता वो कब आएंगे। मैं हर काम से फ्री होके आया हूँ, मैं कर लूंगा इंतजार। तुम ऐसे क्यों डर रही हो जैसे मैं कोई गैर हूं? मैं डर नहीं रही हूँ, मैं बाबा को फोन करके आती हूँ। थैंक यू। कल रात तुमने एक माँ की तरह मेरी बेटी की फिक्र की, मुझे अच्छा लगा। चाय पियेंगे? पी लूंगा, बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी।
सुनो, परेशान हूं? नहीं। बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं अमल से मिल सकूं? बस एक बार। तुम्हें अब क्यों मिलना है अमल से? अगर आप, मेरा मतलब है अगर आप नहीं मिलवा सकते तो कोई बात नहीं है। मैं पता नहीं बाबा कहाँ चले गए, मैं बाबा को बुला के लाती हूँ। रुको, मुझे माफ नहीं करोगी? आपने मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया? मुझे गलत समझा, मुझे गाली दी। नहीं, गाली नहीं दी। शक करना भी गाली के बराबर होता है। सर, आई एम सॉरी। जो सजा दोगी मैं पूरी करूंगा। मुझसे होगी गलती। बताऊं तो चले सो गया था। मुझे लगा कि मेरी लाइफ में कोई और है। डर गया था कि तुम भी हमल कर मुझे छोड़ दोगे। हमल को छोड़ना मेरे बस में नहीं है। अफसोस ये कि आपने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती और मैं इसे कभी नहीं दोहराऊंगा। क्या तुम वाकई अलग होना चाहती हो? खामोशी का मतलब हाँ और ना दोनों में हो सकता है। सिर्फ अमल के पास जाना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ, उसे छूना चाहती हूँ, उसके पास रहना चाहती हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती, मुझे उसकी फिक्र लगी रहती है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बहुत याद आती है मुझे उसकी। फिर चलो मेरे साथ। मुझे नहीं पता था कि स्टॉक्स में इतना पैसा है। अरे आपने फिल्में देखी नहीं? आप फिल्में देखें तो आपको पता चले कि लोग स्टॉक में पैसा लगा के कितने अमीर हो चुके हैं। साफ सी बात है, डैड के पैसे मैंने स्टॉक में लगा दिए और उनको बुरा लग गया। क्यों? वो अब असल में वो आपके डैडी की अब एज हो गई है ना, तो बेचारे से अकेले ऑफिस संभाला नहीं जाता और फिर रिस्क लेने से भी डरते हैं, तो इसलिए उनका ऑफिस एहाब ने बेचकर सारे पैसे स्टॉक्स में लगा दिए। इसलिए वो नाराज़ हो गए और घर छोड़ के चले गए। खैर, मैंने सोच लिया कि डैड को मैं एक महंगी घड़ी तोहफे में देके उनको वापस लेके आऊँगा। आपने मामा की घड़ी देखी? नहीं। अरे माँ, ये देखें, रोलेक्स लेके दिए पहले प्रॉफिट से, और ये डायमंड की अंगूठी भी। वाह, बहुत अच्छी है। कितने पैसे लगाए थे तुमने? यही कोई 5-6 करोड़ रुपए। आपने बाहर गाड़ी देखी है? हाँ।
वो भी इसी प्रॉफिट से ली है, लेटेस्ट मॉडल है। अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा काम। आपकी सोच है, इतना मुनाफा इस काम में, अच्छे अच्छों के दिन फिर जाते हैं। अब तुम दोनों बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। जी मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है ना बेटा। मेरा मतलब है मैं लंदन जा रहा हूं और वहां से अपना बिजनेस शुरू करूंगा। वहीं से दोबारा बिजनेस शुरू करूंगा, कुछ मीटिंग्स वगैरह भी हैं और वापसी में ज़ायदा और रिदा को लेकर आऊंगा। नवेरा तुम मेरी बेटी नहीं बेटा, तुमने टूटे हुए हारे हुए बाप को तब सहारा दिया जब सारी दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया। मेरा बेटा मुझे बर्बाद करता चला गया, बर्बाद करता चला गया। और मेरी बेटी ने बेटा बनकर मेरे साथ खड़े होकर एक बार फिर इस काबिल कर दिया कि मैं दुनिया का मुकाबला कर सकूं। बेटा अगर तुम इन हालात में मेरी हिम्मत न बनती तो मैं सड़क पे आ जाता। आज फख्र है मुझे तुम पर, नाज कि तुम नवेरा ताहिर मेरी बेटी। ये तो बेटा हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटियां शाद व आबाद रहें। माँ हम तो अपना हंसता बसता घर खुद बर्बाद करके चली गई और रिदा अपनी जिंदगी से रोज हारती जा रही है। बेटा तुम ताबर को समझने की गलती कर रही हो। आपके कहने पर उसे एक मौका और दे दो, आगे तुम्हारी मर्जी। और हाँ मैं बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कह रहा, आपकी इल्तिजा समझ लो। पापा क्या मैं आपके जाने तक आपके साथ रह सकती हूँ? दावर मुझे उम्मीद है तुम मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दो।
सो जाओ, बहुत देर हो गई है। अभी तक सोई नहीं, सारी रात जागती रही हो? क्योंकि मुझे अब कुछ नहीं खोना। पता चल गया है मुझे, जो सोता है वो खो देता है। ठीक है, लेकिन अब बहाना मत बनाना कि मैं सारी रात जागती रही हूँ तो मैं नाश्ता नहीं बना सकती। डैड का ब्रेकफास्ट तो मैं ही बनाना है। हाँ हाँ, मैं ही बनाऊंगी। मुझ में तो इतनी एनर्जी आ गई है कि अगर मेरे पर होते तो मैं उड़ के चली जाती। ये चल रहा है, बहुत दिमाग चलने लगा है तुम्हारा। हाँ अब बोलो, क्या मुसीबत है? सब बैठे थे, तुम फोन किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। अच्छा सुनो, यहां मेरी बात गौर से सुनो। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, मैं खुद कॉल करूंगी तुम्हें, तुम मुझे कॉल नहीं करोगे। ओके बाय। बड़ी बिजनेस वीडियोस देखी जा रही। बिजनेस वीडियोस देखकर तो तुम ऐसे खुश हो रही हो जैसे इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही प्रॉफिट कमा लिया। ऐसा ही समझ लो। अपने भाई के मशवरे पर देख रही हो ना ये वीडियोस। इंस्पायर मत हो जाना, रियल लाइफ नहीं होती।
लेकिन ये वीडियोस रियल स्टोरीज पे बनती है ना। कभी फेलियर्स पर वीडियोस बनते हुए देखा है? नहीं ना, सिर्फ सक्सेसफुल लोगों पर बनती है, और वो भी इक्का दुक्का। ठीक कह रहे हो। वैसे कहीं तुमने उसके साथ खुद बिजनेस करने का इरादा तो नहीं बना लिया? ये ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे। ओके, आई जस्ट वांट यू टू बी केयरफुल, क्योंकि जब लोगों को पता चलता है किसी के पास पैसा है तो वो शहद की मक्खियों की तरह चिपक जाते हैं। दैट्स इट। डोंट वरी, मैं केयरफुल रहूंगी। ठीक है, और अगर वो तुमसे फिर भी पूछे तो तुम कहना कि तुमने मेरे साथ इन्वेस्ट किया। तुम्हारे बिजनेस में? ओके, कह दूंगी। और कुछ नहीं, बस अब मैं नाश्ता बना रही, क्योंकि अगर देर हो गई तो तुम्हारे अब्बू बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये तो है, बनाइए। आई एम वेट। मैं लंदन जा रहा हूँ। ये बताने यहाँ आए थे? बिना बताए चले जाते? रिदा की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, और ज़ायदा बहुत परेशान है, उन्हें मेरी जरूरत है। चलो, ये कुछ पैसे तुम्हारे काम आएंगे। ये कहाँ से है? नवेरा और मैं एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, एक ऑर्डर मिला था। डैड आपसे एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? तुम्हें मेरा बुरा मानने की कब से फिक्र रखी? बोलो। वो सफर पे जाने से पहले लोग अपने सारे मामला सेटल करके जाते हैं, जिंदगी मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं। तो अगर आप वो घर इनके नाम नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो लोग यहाँ कब्जा करने आ गए तो? एक बेटी इस दुनिया से जा रही है, दूसरी से मेरा दिल उठ गया, तीसरी नवेरा है, और वो जिस चीज पर हाथ रख देती वो सोने की बन जाती, तो उसको भला इस घर से क्या गर्ज होगी? ये तो और अच्छी बात होगी, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। आप ये घर मामा के नाम कर दें। तुम जरा उधर जाओ, मुझे सदब से जरूरी बात करनी है। नहीं डैड, ये पैसे और जायदाद की कोई बात मेरे पीछे नहीं होगी। अभी तो मैं जिंदा हूं बेटा, तुम अभी से अपना हक मांग लो। डैड वारिस तो मैं ही हूँ, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं अपनी माँ का सहारा हूँ और उसके साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। आपसे ज्यादा फिक्र है मुझे उनकी। ठीक, तुम कागजात तैयार कर लेना, मैं साइन कर। साथ ये ले डैड, ये रे कागजात, साइन करें। सारी तैयारी की हुई है तुम? शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। Thank you.
एक यहाँ। डैड एक ग्लास है, बस एक आखिर यहां पे। थैंक यू सो मच डैड। जीते रहो, हमेशा खुश रहो। खुदा तुम्हारा निगहबान। अरे बीबी जी, आप आ गई। सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अमल कहाँ है? वो जी सो रही है। सो रही है, लेकिन अभी उसका सोने का टाइम तो नहीं है। तुम एक काम करो, मेरा सामान कमरे में रख दो, मैं अमल के पास जा रही हूँ। जी ठीक है। सलामुअलैकुम फुप्पू। क्यों आई हो तुम? मैं लेकर ये तुमसे जो भी कहेगी तुम फौरन मान जाओगे। इट्स रियली वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। आपने भी तो मुझे भेजा था उस दिन इसे लाने के लिए। हाँ, लेकिन जब ये नखरे कर रही थी तो इसे लाने की क्या जरूरत थी? और तुम अमल के बहाने वापस आई हो ना इस घर में। अगर अमल से इतनी ही मोहब्बत थी, इतना ही ख्याल था उसका, तो फिर अकेला छोड़कर क्यों गई थी उसे? बोलो, जवाब दो। मामू जान रिता के पास लंदन चले गए हैं, इसलिए मैं से यहां ले आया। वैसे दावर ये मेरा घर है, कोई रेस्ट हाउस या कोई सराय नहीं है कि जब जिसका दिल चाहे वो रहे और जिसका दिल चाहे कहीं से भी वापस आ जाए। वैसे क्या सोच कर लाए हो तुम इसे वापस? उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुमने अलहदगी का फैसला कर लिया। एक गलत फहमी थी जो अब दूर हो गई है। ये अब यहीं रहेगी। दावर जो है ना, बहुत जिद्दी तबीयत का है, लेकिन तुम एक बात याद रखो, तुम अमल की केयर टेकर की हैसियत से यहां रहती थी और अब भी तुम्हारी वही हैसियत है, क्योंकि मैं इस घर की बहू अब अपनी पसंद से लाऊंगी। गॉट माय पॉइंट? जी पप्पू, जो आप चाहेंगे वही होगा। चलो जाओ, अमल के पास जाओ, देखो उसे कुछ चाहिए तो। Thank you.
अभी सिर्फ ट्राई करना चाहती हूँ इसलिए 2 लाख दे रही हूँ। कैश का चेक है ना? अच्छा मुझे बताओ कि ब्रोकर से मिलना होगा ना मुझे, क्योंकि कोई साइन वाइन तो चाहिए ही होंगे। नहीं, ये शेयर्स मैं अपने नाम पे खरीद लूंगा, नेक्स्ट टाइम आपके नाम पे ले लेंगे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने शेयर्स खरीद लिए? रसीद की पिक्चर भेजूंगा ना आपको। ठीक है, मैं फिर जा रही हूँ। नहीं चाहती कि सलमान को कुछ भी पता चले, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया है कि मैं उसके बिजनेस पे पैसा लगाऊं। हाँ हाँ जाएं, और अच्छा किया आपने कि सलमान को नहीं बताया, वरना उसको शक हो जाता, और आइंदा भी नहीं बताइएगा। वो आपके सारे पैसे हड़प करने के चक्कर में है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसकी नजर मेरे पैसे पे है। सारा जेवर तो मुझसे ले चुका है, मगर अब कुछ नहीं दूंगी उसे। तुम दुआ करो कि इससे हमें फायदा हो। 100%। चलो अच्छा सोचा। चेक दे के चली गई तुम्हें? हाँ, गीदड़ की जब मौत आई हुई होती है तो वो शहर की तरफ भागता है। जैसे महाम खुद चल के मेरे पास आए, अब उसी के पैसे उसको वापस कर दूंगा प्रॉफिट डिक्लेयर करके। और बाकी पैसे? मेरी जेब में। देखो ये आप मेरी बात सुनो। मैं कोई बात बात नहीं सुनूंगा, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। ये आप गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। इतना बड़ा हाथी जो आपने पाला हुआ, इसको चलाने के लिए पैसे नहीं चाहिए आपको? जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपने वैसा ही करना है, समझिए आप। मेरे साथ तमीज से बात करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। माँ है तो भरोसा करें मुझ पर, डैडी वाली जुबान मत बोले आप। माँ ने भी तो यही किया ना, दावर के साथ धोखा करके सारे पैसे हड़प कर लिए। तो मैं कर रहा हूँ तो बुरा लग रहा है आपको? मैंने आपको कह दिया जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे। मैं जा रहा हूँ बाहर, देर हो जाएगी, दरवाजा बंद करके सो जाइएगा। हाँ मतलब कहाँ जा रहे हो, कब आओगे बेटा, मेरी बात तो सुनो। अगर अमल से इतनी ही मोहब्बत थी, इतना ही ख्याल था उसका, तो फिर अकेला छोड़कर क्यों गई थी उसे? बोलो, जवाब दो। मामूजान रिता के पास लंदन चले गए हैं, इसलिए मैं से यहां ले आया। वैसे दावर ये मेरा घर है, कोई रेस्ट हाउस या कोई सराय नहीं है कि जब जिसका दिल चाहे वो रहे और जिसका दिल चाहे कहीं से भी वापस आ जाए। वैसे क्या सोच कर लाए हो तुम इसे वापस? उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुमने अलहदगी का फैसला कर लिया। एक गलत फहमी थी जो अब दूर हो गई है। दावर जो है बहुत जिद्दी तबीयत का है, लेकिन तुम एक बात याद रखो, तुम अमल की केयर टेकर की हैसियत से यहां रहती थी और अब भी तुम्हारी वही हैसियत है, क्योंकि मैं इस घर की बहू अब अपनी पसंद से लाऊंगी। Got my point? मल सो रही है तो तुम खाने के लिए क्यों नहीं आ रही? मुझे भूख नहीं है। अच्छा, फिर भी थोड़ी देर के लिए सबके साथ खाने के टेबल पे आ जाओ। नहीं, प्लीज। मैंने अलहदगी का कोई फैसला नहीं किया था, बस ऐसे ही गुस्से में कह दिया था। मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा? थोड़ा वक्त दो, अम्मी ठीक हो जाएंगी। वो गलत नहीं है, वहां हमने भरोसा तोड़ा है उनका, उनके प्यार का गलत फायदा उठाया। तो ये तुम्हारी गलती तो नहीं है? गलती तो हमेशा किसी एक की होती है,
और सजा सारा खानदान भुगतता है। ये कोई नई बात नहीं है, और वो मुझे घर से निकाल थोड़ी रही है। आपको तो नाराज होने के बजाय उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी उनके साथ खाना खाने। अगर उनकी खुशी नहीं है तो मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकती। प्लीज आप जाएं। ठीक है, फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। आप जाएं दावर। मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज आप जाएं ना, मेरी खातिर ही चले जाएं।